ओह नो, फिर बिजली चली गई यार। इन्होंने सही तमाशा बनाया हुआ है। एक बार बिजली आती है, फिर चली जाती है, फिर बिजली आती है, फिर चली जाती है। बस फिर कहते हैं बिजली बस 2 घंटे जाएगी। तमाशा लगा के रखा हुआ है। मैं अभी बोतल पीता हूँ यार, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी तो यार एक स्प्राइट तो बनती है ना। आए हाय, क्या बात है, मजेदार यार। चलो अभी सामने आप लोग देख रहे होंगे, वो सामने एक टाई पार खड़ी हुई है। तो ये टाई पार आई हुई है एक कस्टमर की। उसने कहा यार इसको ठीक करो, पता नहीं इसके इंजन में कोई मसला आ रहा है। ड्राइवर लगा हुआ तो है बट इससे कुछ ठीक नहीं हो रहा। ओ भाई क्या कर रहे हो, काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो नजर आ रहा है मुझे, ठीक है ना। बड़े भाई से जुबान चलानी आती है, गाड़ी तो ठीक करनी आती नहीं है। कौन सी जुबान चलाई है, अदब से तो बात कर रहा हूँ। अच्छा अदब से बात कर रहे हो, बदमाशी ना कहीं और दिखाना, ठीक है ना। यहाँ पे काम करते हो ना वर्कर की तरह रहो। वर्कर की तरह नहीं, पार्टनर हूँ इस शोरूम का। अच्छा अच्छा वो दूसरा किधर है मेरा साला, बाहर ही खड़ा होगा, और किधर होगा। काला फ्रैंकलिन, उसे मैं ठीक करता हूँ। और दूसरा किधर है छोटा चूहा, उसी की दुम में उसी के साथ होगा। अच्छा मैं दोनों को ठीक करता हूँ बेईमानों को। यहाँ मेरा भाई बेचारा काम कर रहा है और ये साले साहब आराम कर रहे हैं बाहर। क्या कर रहे हो भाई, ये क्या तमाशा बनाया है भाई। इतना महंगा वेड़ा लाया हूँ कसम से, 10-10 रुपया देखने का, 10-10 रुपया। ओ भाई 10-10 रुपया कोई नहीं दे रहा। एक बात तो बताए मुझे, ये वेड़ा आपने कितने का लिया। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। एक बात बताऊं मैं आपको। हाँ बता। बेशक आप रेट मुझे नहीं बता रहे लेकिन ये लिया आपने बहुत महंगा है वेड़ा। अच्छा रेट बताया नहीं, वैसे महंगा ले लिया। हाँ सच्ची बता रहा, मेरा तो बस वैसे ही महंगा महंगा कहना आता है। अच्छा अच्छा बात तो सुने ना, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोल। यार ये मेरे भांजे को ऊपर बिठा के झूला तो दे दे थोड़ा। जी जी अंकल, ऊपर बैठूंगा बस, थोड़े सीन पकड़ूंगा, थोड़ी दुम्ब। हाँ बेटे मैं ठीक करता हूँ, दुम्ब पकड़ूंगा तेरी, दुम्ब पे पैर रख दूंगा मैं। नहीं यार अंकल ऐसे ना करें, मैंने दुम्ब बनवाई नहीं थी कितने टाइम से। देखा आपने कितना होशियार बच्चा है। फिर है बहुत होशियार बच्चा है। ओ भाई क्या तमाशा लगा हुआ है यार, मेरे भाई शोरूम के सामने आपने जानवर खड़ा कर दिए। यार मेरे भाई देखें, जगह खुली मिली हमने खड़ा कर दिया। यार जगह खुली मिलेगी आप यहाँ पे तमाशा लगा के खड़े हो जाएंगे। जी मैंने तो अपने दोस्तों को भी कॉल किया, चिंगड़ों मछलियों को बोला है सारे जानवर लेके आ जाए, मंडी लगाते हैं। यार हटाओ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, सारे आपके अंदर हो जाओगे रिश्तेदार सारे। अच्छे अच्छे मेरे भाई ले जाते हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं, बस दिखाना था इधर लोगों को। हाँ तमाशा करना होता है, कुर्बानी तो करनी नहीं है, लोगों को दिखाते रहो। नहीं नहीं ले जाते हैं मेरे भाई, ले जाते हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हो। हाँ माइकल तू टेंशन ना ले, मैं खाली कर रहा के आता हूँ पूरा। हाँ तुम खुद तमाशा देखो, ठीक है ना। तमाशा लगा के खड़े हुए हैं, मेरी जबान फिसल रही है, गुस्सा आ रहा मुझे यार। चलो यार वेड़ा तो मैंने लोड कर दिया, अब निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई ठीक है भाई, अब हम निकलते हैं वेड़ा लेके, ठीक है। हाँ हाँ भाई जाओ, पर आपने मेरे भांजे को झूला नहीं दिया ना, देखना क्यामत वाले दिन आपका गुलबान पकड़ूंगा मैं। ठीक है मेरा रुमाल पकड़ लेना, ठीक है क्यामत के दिन रुमाल नहीं पकड़ूंगा। शर्म तो अच्छी नहीं है आपको, थप्पड़ मारूंगा तेरे मुंह पे। अभी मैं निकालता हूँ यहाँ से अपना खूबसूरत ट्रक, ध्यान से आराम से भाई, हट जाओ लगेगा आपको ट्रक लगेगा। तुम्हारे बाप का शोरूम है। बस ठीक है, फिर लग गया तो मुझे नहीं बोलना। लग गया तो केस करूंगा तुम्हारे ऊपर, ऐसे नहीं जाने दूंगा। और मैं भी खेस तुलैया कर दूंगा, खुद ही हमारे खानदान में सारे बनाते हैं खेस और तुलैया, रजाई भी कंबल भी। चलो यार अब निकलते हैं यहाँ से, बिस्मिल्लाह। ट्रक में फुल वेड़ा लोड करके अब जल्दी से मंडी पहुँचाते हैं, बेचना है यार जिसको। सॉरी मेरे भाई गाड़ी वाले, ट्रक से टक्कर कभी नहीं लेना मेरे भाई। मामू चले आप पापा के पास चलते हैं, वैसे ही फिर गुस्सा करेंगे बाद में। हाँ बेटा गुस्सा तो उसे बहुत आया हुआ है, गुस्सा तो उसे हर वक्त आया रहता है, अभी देखिए बेइज्जती करेगा हम सब की। आजा। जी हमारा क्या कसूर है, वो वेड़ा लेके अंदर आए हुए थे तो। हाँ सही बात है, हमारा तो कोई कसूर नहीं था। हाँ बिल्कुल तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, बेगैरतियां लगाया करो, सर्कस बनाया हुआ यार शोरूम को। यार तू इधर दीवार के साथ लग के हमारी बातें सुन रहा था। हाँ यही तो कर रहा था मैं। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म से डूब मार तू। डूब मार, नहीं मानो जो तुमने हरकत की है ना। अच्छा एक और बात करनी थी तेरे साथ मैंने। हाँ बोल बोल। वो जो सामने प्राडो खली है ना ब्लैक वाली, ये मैं घर ले जाऊँ अपने। हाँ घर ले जा, मेरासी आदमी आज डिलीवर करनी है, किसी कस्टमर ने मंगाई है। अच्छा हाँ, 4.5 करोड़ की बिक्री है। क्या बात है, बस अल्लाह का करम है यार, शोरूम में थोड़ा सा काम आने लग गया है, ठीक है गाड़ियाँ बिक्री है। हाँ यार बस मैं हर चीज देख लेता हूँ, अभी देख वो लोग जो आए हुए थे बाहर वारदात करने, उनको भी मैंने लफड़ चफड़ मार के भगाया। सही कर, इतनी देर तो देख लेते हैं उनको, फिर देखते रह रहे थे उनको। हाँ देखते रह रहे थे, इसका यही काम है ना, तमाशा देखता रहता लोगों का। अच्छा चल ठीक है, मैं बाबे को बुला के लाता हूँ, ट्रक वगैरह निकालते हैं तो। हाँ, गाड़ी डिलीवर करके आनी है, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, आ जा जिमी बेटा तू मेरे साथ ही आ जा। जी जी मामू आ रहा हूँ आपके पीछे ही आ रहा हूँ मेरे प्यारे। वैसे भी तेरे बाप का सड़ा हुआ चेहरा देखने का कोई फायदा नहीं है। जी जी वैसे ही आईना देख ली तो अच्छा है ना, आईना देख ले। आप आईना देख ले बेटा, इतनी खराब शक्ल तो नहीं है तेरी। आप आईना देखे ना शीशा प्यारे लगेंगे फिर। हाँ बेटा मैं वैसे भी प्यारा लगता हूँ, लोग बहुत तारीफें करते हैं मेरी। शीशे में आपकी नाक ही पूरी आ जाएगी सिर्फ, है ना।
बेटा तू बॉडी शेमिंग कर रहा है, मैं बताता हूं। मैंने तो कुछ शेमिंग नहीं की। शेमिंग तूने की है, मैं बताता हूं। शेमिंग में भी मैंने कुछ शेमिंग नहीं की मेरे प्यारे मामू। मेरे प्यारे और फंस गया मामू। मेरे मामू मुंह में ही रह गया। शरीफ मेरे मामू। अच्छा खैर छोड़, चल बाबा के पास आते हैं। ये देख बाबा। अच्छा मामू आप क्या कुर्बानी करेंगे? बेटा कुर्बानी इस बार इंशाल्लाह मैं करूंगा एक छोटी बकरी। अच्छा छोटी बकरी, और मैं क्या कुर्बानी करूं? यार बेटा तू मुर्गी ही कर ले जितनी तेरी औकात है ना। ऐसे ना करें, फिर सेमिन कर रहे हैं ऐसे। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, अपने बच्चे के साथ मजाक भी नहीं करता बाबा जी। जी 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 ठीक है, अल्लाह हाफिज, लोड में करा दूंगा बाबा जी। बाबा क्या जी हुए बेटे, क्या हुए? एक किसके चक्कर में पड़े हुए आप भी? किसी सभा के किसी ने सभा नहीं कहे लोड कर दी मुझे, मेरी तबीयत खराब है, अम्मी को बुखार है। बाबा जी ये सभा जो है ना, ये इसने मुझे भी फंसाया परसों, मुझे 500 का लोड निकलवाया इसने। अच्छे अच्छे बेटे, नहीं नहीं कोई मसला नहीं यार, मैंने कहा गरीब की बच्ची वैसे लोड करा देता हूँ। बाबा जी ये कोई गरीब की बच्ची नहीं होती। हाँ जी बाबा जी, ये गरीब की बच्ची नहीं, आगे बच्चे निकलते हैं गरीब के, इतने सारे ठग लगा रहे होते हैं लोगों को वैसे। बाबा जी आपने अपनी बीवी को तो कभी मैसेज किया नहीं है, इधर छोटी छोटी लड़कियों के साथ आप बातें कर रहे हैं। बता के करूंगा ना किसको मैसेज करना है किसको नहीं, दिमाग नहीं है ठीक है ना बाबा जी? ज्यादा सर ना चढ़े, एक अगर मेरी घरवाली के नाम ही सब फिर झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। अभी मैं घर कॉल में लाता हूँ आपके, आपकी बीवी सो रही होगी या अस्पताल पड़ी होगी, उसकी आपको फिक्र नहीं है, इधर आपको दूसरी औरतों की परवाह है। मुझे किसी की फिक्र नहीं है ठीक है ना, दिमाग नहीं खाया, अभी बता काम क्या है? बाबा जी वो आपको कहना था ट्रक निकाले, और क्या आपसे मैंने इधर बर्तन साफ कराने हैं। काम बता काम बता, ट्रक निकालता हूँ जल्दी, गाड़ी लेके आओ जोन सी ले के जानिए। हाँ हाँ जल्दी कर, मोबाइल रख के आ ठीक है। ओहो तमीज से बोल, तमीज निकालता हूँ जी तुझे, सर चढ़ा जा रहा है। जिमी बेटा इसके पेच जो है ना वो टाइट किया कर। जी जी मैंने तो पेच टाइट की था, मुझे पिचका अच्छी नहीं मिल रहा था। वाह बेटा वाह, दिमाग स्टार्ट हो रहा था। फिर इधर क्यों खड़ा हुआ है, जाके पंखे के नीचे बैठ जा। मैंने कहा और मेरे खिलाफ क्या बातें कर रहे हो, मैं सुन रहा था। वाह यार हम चलेंगे फिर भी सुनता रहा तू पीछे, क्या बात है। अच्छा गाड़ी निकाल, आराम से निकाली, ठोक ना दी, साफ कर ले। ये नहीं पता चलना चाहिए कि इस गाड़ी को पहले मैं चलाता रहा हूँ। अगर पता चल गया ना फिर तुझे बताएगा वो बंदा। हाँ क्यों बताएगा भाई, मेरी गाड़ी थी मैं चलाता रहा हूँ। चलाता रहा और फिर नई करके बेच भी रहा, धोखेबाज फराड़ी आदमी। मेरा मामू गाड़ी लेके आ गए, एसी वाली पुराडो। बैठ जा बेटा। पापा हमारे साथ नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, उसने कभी हमें अकेला जाने दिया? अच्छा अच्छा फिर शोरूम बंद करके आएंगे हैं? हाँ हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए हमेशा वो यहीं पे होता। ये बात आपकी सही है, आराम से निकाले यहाँ से बाबा जी, जहाँ पे लगा दें वो फिर नीचे करेंगे ना, जहाँ से शटर डाउन फिर करेंगे। शटर डाउन करें बाबा जी? जी बेटे कर रहा हूँ, मैं खुद ही कर लेता हूँ, आप बैठे रहे इधर। नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, बस आखिरी मैसेज है सब ठीक है, मुझे शाम टाइम कॉल करना। और बाबा जी ये बोल बोल के मैसेज क्यों लिखते हैं, हमें सुना रहे सभा को सुना रहे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ ठीक है। बाबा जी चढ़ाओ चढ़ाओ, गाड़ी खींचो खींचो। जी बेटे खींच ली खींच ली। अच्छा अभी जल्दी जल्दी यार स्टार्ट करो। और फ्रैंकलिन तुम लोग साथ तो नहीं आ रहे ना? नहीं नहीं यार, हम शोरूम की इधर हिफाजत करेंगे ना पीछे। हाँ कोई कस्टमर आया तो देखना, आजकल वैसे भी ईद के दिन है तो यार काम वगैरह आया तो देख लेना सारा। मैं देख लूंगा सारा, देख लूंगा। जी पापा मैं भी देख लूंगा चश्मा लगा के। तू ना देखे अंधा हो जा तू। अच्छा तो बाबा जी आप चलाएंगे ट्रक? नहीं तो तू चला ले, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, पीछे बैठ जाऊंगा। तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं आप? शाबाश चलाएं जल्दी करें ठीक है बेटे, ज्यादा फ्री नहीं हो। अच्छा हाँ हाँ फ्री नहीं हो रहा, ड्रामे ना लगाया करें ना, तो आपका काम है तो आप चलाएं ठीक है बेटे, जल्दी बैठ शाबाश। जी जी बैठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ। अच्छा अभी आप इसको हल्के हल्के ऊपर चढ़ाएं ठीक है, ये तो खराब हुआ पर है बेटे, ये तो नीचे जा रहा है। कोई नहीं आप जाने दें, सही हो गया, चलें निकालें आप इसको। बिस्मिल्लाह, इतनी तंग गली में यार तुम लोगों ने पार्किंग बनवाई हुई है यार, आपको बातें ही आती हैं बस, या काम भी आता है कोई? तिरक चलाना आता है, चला के दिखा जरा तू, इतना बड़ा तिरक है ये। अच्छा अच्छा अभी जल्दी निकालें, बहुत दूर पहुंचानी है गाड़ी। अच्छा अच्छा बेटे चल इधर से मोड़ लेते हैं, चलो भाई निकलते हैं। बेटे मैं तो तुझे बोल रहा हूँ ये गलियां बड़ी करा ले, बस सीधा खर्चा कर थोड़ा। खर्चा कहाँ से करूँ, लोगों की गलियां मैं कैसे बड़ी करा दूँ? अच्छा अच्छा चल बेटे कोई मसला नहीं, मैं पैसे से खुद करा लूँगा। बस करें, आपके पास गुसलखाना घर का बड़ा करवाने के पैसे तो है नहीं, बाथरूम घर का आपका इतना छोटा है और आप कह रहे हैं गलियां बड़ी कराएंगे। दिल बड़ा होना चाहिए बेटे, बाकी पैसे वैसे तो आने जाने की चीज है। बात तो सही है आपकी, आजकल क्या सुन रहे हैं भाई, मोटिवेशन सुनता हूँ बहुत, मेरे में कॉन्फिडेंस आया है बेटे, मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सुनता हूँ। हाँ ठीक है स्पीकर सुना करें, अभी जल्दी निकालें शाबाश, गाड़ी डिलीवर करनी है, बहुत दूर जाना है।
अच्छा बेटी इस यान कर देते हैं। चल मामू अभी शोरूम चलते हैं मामू। हाँ बेटा चलो अंदर चल के बैठते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। ट्रेवर तू जा जरा नान छोले ले आ यार। आओ यार तीनों जाते हैं मजे करते हैं सेवर फूड खाते हैं। आ जाओ यार तू ले आई ना, गर्मी है हम किधर ख्वार होते फिरेंगे। बिरयानी खाते हैं, काम करते हैं, चारे साथ चले जाते हैं फिर हैं। हाँ साथ चलते हैं ये ठीक है चल। हाँ आ जाओ मेरे साथ, शिकंजी बीन भी पिलाऊंगा इंशाल्लाह सारी गर्मी उतर जाएगी। हाँ लेमन जूस भी पिलाना, अंटा लेमन। अंटा लेमन जीजे क्या होता है ये बेटा? नींबू पानी कोई कहते हैं। आ जाओ जल्दी भाग के आओ। यार ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लफ्ज़ निकाल के लाता तेरा चाचा, मुझे कुछ समझ नहीं आती। जी मामो इनमें अक्ल होती तो फिर निकाल के न ला देना। लाप बकवास बंद कर आ बैठ। आपने कैसे सुन लिया, मैंने तो दूर जाके बोला था। कैसी सुनते बेटा, मेरे कान बड़े तेज हैं। लगता है कान में है नफरी लगाई हुई है, और आजकल ना मैंने साफ भी किए हैं। और ड्राइवर अगर पीछे से माइकल आ गया तो फिर? ओ, कुछ नहीं होता माइकल को, मैं देख लूंगा। बैठे ना मामू, मैं थोड़ा आगे होता हूँ। बैठ आगे टंकी पे बैठ जा, पीछे बैठ जा मेरे बेबी। मामू किधर बैठ गया यार? मैं इधर ही बैठूंगा, पीछे बैठूंगा तो जिमी तंग होगा इधर। अच्छा सर साइड पे कर, नजर नहीं आ रहा मुझे, ऐसे ठोकूंगा। आराम से चलाना, ये देख देख मेरे कंधे से सर निकाल ले। मैंने बाइक में ना काला टिक्का हुआ है। ओ कुछ नहीं होता यार, मेरा मजबूत बाइक है बड़ा। आ जाओ मंडी ले जाता हूँ। आज शाबाश। हाँ जानवर भी देखो। अच्छा बात सुन, सिग्नल पे ना रोकी, लोग हंसेंगे मुझ पे। हाँ नहीं रोकता नहीं रोकता। शर्म तो नहीं आई वैसे तुझे बैठते हुए भी? यार शर्म की कौनसी बात है, बचपन याद आ गया। ऐसे ही बैठ के जाता था अबू के साथ, और जब अबू को गुस्सा आता था एक लफा मारते थे। हाँ तो सर ऊपर करके जो बैठता है तू मनुष। चल मंडी की तरफ, जय बर्गर वाला है, बर्गर ले ले इधर से। हाँ इधर से बर्गर खाते हैं। सामने मंडी भी लगी है। ओए मंडी चलते हैं, छोड़ो पहले मंडी चले जाते हैं। चलें ठीक है, थक के खाना खाएंगे फिर सही मजा आएगा। जो देखे काला बैठा मटर गए, मटर गया बेटा उतर जाओ। आजे बैठा रहे बच्चे तू इधर। आजे मामू को बैठने दे इधर ही। अंकल ये कितने के? जी भाई ये अंकल किसे बोल रहे, अंडे हो गया क्या? दिमाग नहीं खाओ ठीक है ना। और ये सफेद वाला बेड़ा जो है ना 7 लाख का है, और ये जो ब्राउन वाला है ये 7.5 लाख का है, और वो जिस सामने काला वाला घूम रहा है ना ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये है टोटल जी भाई 8 लाख रुपए का। अच्छा 8 लाख, बहुत महंगाई चल रही है। ऐसे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा तो 2 लाख का बेड़ा नहीं है ये। ओ भाई किस दौर में जी रहे तू है, बदमाशी क्या दिखा रहे? शेर में लाते लाते इतना पैसा लगता है, जानवर इतनी मुश्किल से लाए यहाँ पे, हुकूमत को पैसे दे रहे हैं साथ। यहाँ वॉशरूम करने की जगह है कोई? यार वॉशरूम करने की जगह नहीं है, वहाँ झाड़ी पे चली जाओ वहाँ पे। सारे जानवर तो इतने महंगे महंगे दे रहे हैं। हाँ बेटा बहुत महंगे हैं, देखो चूजे जितने बकरे हैं। इनसे पूछेंगे काले भाई से। काले भाई? काले भाई किसको बोल रहे बे? काले भाई किसको बोल रहे है? कुत्तू बहुत घोड़ा चिट्टा, बुड्ढे खेंगे बुड्ढे खोते। नहीं नहीं चिट्टे भाई बताओ ये बेड़ा कितने का है? ये बेड़ा कौन सा वाला, चिट्टा के काला? ये काला मछड़ा है। काला ये मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ ठीक है ना, आपकी ना मेरी 7.5 का दे रहा हूँ। 8 लाख का बेड़ा है ठीक है, आपको सस्ता दे रहा हूँ भाई। इतना मैंने हमने तो आप बताएं। इधर आए भाई। आ रहा हूं। आपकी कितनी रेंज है? मेरी रेंज तो यही कोई 2-1.5 लाख है। एक काम करो ना मुर्गी ले लो, वो जबा करके खाओ, यही औकात है तुम्हारी। जाओ भाई 200 की मुर्गी आती है। 200 की मुर्गी कौन देता है? तुम्हारा चाचा देता है क्या? निकलो यहाँ से यार, दिमाग ना खराब करो, सुबह से धूप में खड़ा। मैं चमाट करा दूंगा, ऐसे बकवास नहीं करो ज्यादा। अच्छा बकरे पूछे, बकरे बकरा कितने के? बकरा ये वाला बकरा जो है ना ये मेरे ख्याल से ये वाला ये जो सामने खड़ा है व्हाइट वाला ये आपको मिलेगा 45,000 का, और ये वाला आपको 60 का मिलेगा, काले वाला बहुत बड़ा है। छोटे छोटे बच्चे ले आओ बेचने के लिए, इनकी तो कुर्बानी भी नहीं होती। बच्चे क्या, तुम्हारे बच्चे बेच रहा हूँ क्या? बकरे हैं माशाल्लाह, पूरे जवान बकरे हैं, इनका दांत देखो, पूरे दांत है इनके। ऐसे बकरे 5,000 में मिलते हैं हमारे गांव में। हाँ ले लो जहाँ से मिलते हैं। आओ भाई खाने जाते हैं, कुछ ऐसे ही बस रेट चढ़ाए हुए हैं, काम की कोई चीज नहीं है। यार मुझे के बैठू अभी? हाँ तू आगे बैठ जा बेटा, सारे ही मैंने दे रहे हैं मामू। हाँ बेटा बस ये तेरे चाचू ने ऐसे ख्वार करने के लिए हमें लाया, अच्छे खासे अभी तू और मैं जाते गर्ल्स कॉलेज के सामने जाके गोलगप्पे खाते। ठरकियों अपनी माए बहने नहीं है क्या तुम्हारी? और लड़कियाँ देखने कौन जाता है, गोलगप्पों की बात कर रहे हैं, तू ठरकी ये काम करने जाता हूँ। गंदी सोचा इसकी, स्कूल चला जाता इसकी बजाय। हाँ सही बात है, वाकई स्कूल चला जाता, उधर भी अच्छे खासे बच्चे होते हैं ठीक है, गोलगप्पे खाने वाले लोग होते हैं। हाँ वो तो मुझे सारी समझ आ रही है जो तुम गोल मोल क्या समझ आ रही है यार, तुझे गंदा दिमाग है तेरा। अच्छा यहाँ से नान छोले पकड़, स्प्राइट की बोतल ले, बस यही हमारी किस्मत है यार, तू हमें सेवर खिलाएगा बिरयानिया खिलाएगा, तेरी औकात ही नहीं है कुछ खिलाने की। फ्रैंकलिन को पीछे फेंकूंगा। अच्छा अच्छा बस यार देखना, ज्यादा गुस्सा नहीं करते यार, गुस्सा हराम होता है। गुस्सा हराम नहीं होता, क्यों? पे चले इसकी जाते हैं और क्या करना है।
यार ये तो बड़ा प्यारा होटल है, ये मेरी नजर के सामने से गुजरा ही नहीं। भाई नीचे करो, क्या कर रहे हो, तमीज नहीं है आपको? हर कोई बकवास कर रहा है यहाँ पे, इधर आ जाओ ऊपर। आजा जिमी बेटा। बाबा जी अभी तक आपको घर नहीं मिल रहा यार, बाबा जी सही तमाशा बनाया है। बीते नहीं नहीं बस ये घर आ गया, ये वाला घर है, बहुत बड़ा प्यारा सा घर है, माशाल्लाह ये वाला घर है। ओए होए वाकई यार घर तो बड़ा प्यारा है। गाड़ी मोड़ दे, यहाँ पर गाड़ी उतारनी है, जरा ध्यान से उतारिएगा, ये ना कोई रोला ही कर दें आप। नहीं नहीं बीते आराम से उतारूंगा बस, चलो चलो आ जाओ जी जी आ गया मैं, आ गया बस आ रहा हूँ। आए हाय हाय इतना थक गया यार, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, शुक्र है एसी लगा ट्रक के अंदर। हाँ बीते मैंने तो पहले ही तुम लोगों को कहा एसी वेसी लगवा लो ट्रक के अंदर, और भी चीज़ें लगवा लो ठीक है, आजकल तो शोरूम में भी एसी की ज़रूरत है तो उधर भी। आए हाय बीते, ए बाबा जी क्या कर रहे हैं, गिर के मरना है आपने? नहीं नहीं बीते वो गलती से हो गया था बस। अच्छा इसमें चलो आ जाओ, इसको नीचे उतारते हैं, बंदे को बुलाओ, आप पेमेंट लेके आओ, अभी आप गिरोगे बता रहा हूँ, ये दरवाज़ा लगेगा तुम्हें। बाबा जी इतने ज़ोर का मारा मेरा खून निकल गया। अच्छा अच्छा बीते कोई बात नहीं यार, साइड पे लगाते हैं गाड़ी। यार कोई बात नहीं, क्या कर रहे हैं यार, इतने जोर का मार दिया आपने, शर्म नहीं आती आपको यार? अच्छा बुजुर्गों से तमीज़ से बात कर ठीक है ना, यहाँ पे ही बस खड़ी कर दे गाड़ी, उससे पैसे लेके आ बंदे से। अच्छा वो बंदे का दरवाज़ा खटखटाए ना, आ जाएगा वो बंदा पैसे देने। अच्छा मैं खटखटाता हूँ, हेलो दरवाज़ा खोलो भाई। अच्छा भाई पेमेंट कर दिया आपने? जी पेमेंट मैं बैंक के थ्रू कर दूंगा आपको। बैंक के थ्रू कर देना फिर, जल्दी से करना ठीक है ना, ये ना बैंक के थ्रू आप भूल ही जाओ। जी सर आप मुझे जानते नहीं, अभी आपकी गाड़ी वापस भिजवा दूंगा, जरा आराम से बात कीजिए। भिजवा दूंगा मैं, लेके ही नहीं जाऊंगा, मैं लेके नहीं जाऊंगा तो मैं छोड़ आऊंगा पुलिस को, कल लेना होगा। इतना छोड़ के आ सकते थे ना, खुद लेने भी आ जाया करें ठीक है ना, गाड़ी मंगवा लेते हैं और पैसे आगे से देने नहीं होते आपसे। मैं आपको नंबर जो है व्हाट्सएप करता हूँ, जल्दी जल्दी बैंक पे ट्रांसफर करें, नहीं तो FIR कराऊंगा आपके खिलाफ। बेरिया टाउन है, यहाँ की सिक्योरिटी को भी कॉल करूंगा, उठा के ले जाएगी। तो भाई जो भी है, मैं भी ना पिस्टल साथ रखता हूँ ठीक है ना, गन्स मेरे साथ होती हैं हर वक्त। सिक्योरिटी को मैं ऐसे निकालूंगा ठीक है ना। बीते जरा बदमाशी कम ठीक है बीते, कैसा किया बीते, आप भग जाते हैं, आजा किसी वैसे ये भेज देगा, नहीं तो घर उठाने वापस आ जाएंगे, आजा। हाँ हाँ सही किया, बिल्कुल सही किया, बकवास करी जा रहा है कब से यार। वैसे कुर्बानी आने वाली है, पैसे नहीं है और ये दिमाग खराब कर रहे हैं, अमीर है तो क्या है कुछ भी बदमाशी करेंगे। हाँ बीते ये नवा 20 किसी कूतिया कि हमें कूटे सही पकड़ के, यार मैंने तो इतने भरम भी मार दिए, मेरे पास तो पिस्टल भी नहीं है। अच्छे अच्छे बीते अभी निकलते हैं, कोई नहीं भगाता हूँ मैं इसका बेरिया वेरिया निकल जाएगा सब। अच्छा बाबा जी जल्दी जल्दी भगाएं। बीते जब तुझे पता ही था इस बंदे ने पेमेंट नहीं दी हुई थी, तू क्यों गाड़ी लेके आया? यार इस बंदे ने आधी पेमेंट की हुई थी और आधी रहती थी, इस वजह से अभी बेईमान ने शोर मचा दिया, पैसे ही नहीं दे रहा। यार कोई नहीं बेटे, निकलवाएंगे पैसे, निकलवाएंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं इसको, बेरिया टाउन इसका बंद करेंगे, सब्र कर इसको ठीक करते हैं। हाँ हाँ ठीक करना है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे भाई, जहाँ भी रहता है बड़े एरिया में रहता है, अमीर आदमी है तो क्या है, हमें मारता फिरेगा ऐसे, शोर मचाएगा हमारे ऊपर। बीते ठीक किया मैंने, कैसा मुक्का लगाया बता, मुक्का तो बड़ा टाइट था। कुर्बानी पर जानवर कौन सा ले रहे हैं आप? यार मैं तो सोच रहा हूँ कोई चूज़ा ले लूँ 10 रुपये का, और 10 रुपये का चूज़ा हिस्सा डाल लेना आप हमारे साथ ठीक है बेटे। हिस्सा कितना, 100 रुपये या 50? 100 रुपये या 50 नहीं, 20,000 रुपये हिस्सा है, तो 20,000 रुपये आप दीजिएगा, इंशाल्लाह हिस्सा डाल देंगे आपका। अच्छा अच्छा बेटे अभी निकलते हैं ठीक है, जल्दी जल्दी घर जाते हैं, इससे पहले उसकी सिक्योरिटी उसकी पीछे आ गई होगी हमारे। हाँ हाँ निकलते हैं बस, इससे पैसे लेने हैं, इसके खिलाफ FIR कराते हैं, अमीर का बच्चा है तो बदमाशी दिखाएगा, कहते हैं प्राडो लेके आ जाओ आप लोग, मैं पैसे तैयार रखता हूँ, और अभी कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कर दूंगा 1-2 महीने तक, मैं ठीक करता हूँ इसको।